हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर वी रेसिपी। फ्रेंड्स, मैं आज मैं आप सबके लिए वेजिटेबल और ब्रेड के पकौड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ब्रेड लिया है, 4 ब्रेड की स्लाइसें ली हुई हैं और ये बॉयल आलू है मैश किया हुआ। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 2 चम्मच, टमाटर है, प्याज है और ये शिमला मिर्च है, ये नमक और हरी मिर्च मैंने लिया है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले अपने ब्रेड की स्लाइसों को अच्छे से मैश कर लीजिए तोड़ के। तो इस तरह से आप सारे ब्रेड की स्लाइसों को अच्छे से मैश कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें आलू और इतनी सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। ये हरी मिर्ची, नमक और 2 स्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए अपने हाथों से। अपने हाथों से अच्छे से मैश कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह का बैटर तैयार हो गया है मेरा और 2 चम्मच मैंने मैदा ऐड किया था, बाकी मैदा बच गया मेरा। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने पकौड़ों को डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम से हाई के बीच में रखेंगे और पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो आप दोनों तरफ से पलट के इन्हें फ्राई कर लीजिए। जब एक तरफ हो जाए तब इन्हें पलट दीजिए और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो इस तरह से आप सारे पकौड़ों को बना के निकाल लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पकौड़ों पे गोल्डन सा कलर आ गया है। मैं इसे निकाल लेती हूँ और दोबारा से इसमें अपनी सेकेंड बैच डालेंगे पकौड़ों की। तो इस तरह से आप सारे पकौड़े बना के तैयार कर लें।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप सारे पकौड़ों को तल लीजिए। मेरे सारे पकौड़े तल के रेडी हो गए हैं, अब मैंने प्लेट पे निकाल लेती हूँ। तो आप इन्हें टमाटो सॉस या फिर ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। दोनों के साथ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पकौड़े। तो मैं यहाँ पे सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये प्यारी सी रेसिपी बनके तैयार है। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए।